हेलो दोस्तों, आरएम सोच क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो अब हम जैसे कि आपको पता है कि हमने हॉर्टिकल्चर से एम एस सी जो बीबीओ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसे पर एम एस सी कर रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे इस फील्ड में, तो आइए हम आपको इसलिए हमारा रिसर्च वर्क है पूरा, तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये कॉन्क्रीट ऑर्नामेंट प्लांट है, तो इस पर हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं। तो आइए आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि एक इसमें नोट छोड़ी जाती है और इसके चारों तरफ कट लगाया जाता है, जिससे इसकी जो बार्क होती है उसको रिमूव किया जाता है। ये एक बार्क कट के अंदर एक बार्क बाहर छोड़ी जाती है, एक बार्क के दोनों साइड कट लगाया जाता है। ये बार्क, ये बड है ना, इसके पास में कट लगाया जाता है। अब स्मूथली इस बार्क को हम रिमूव कर देंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने अच्छे से बार्क रिमूव कर लिए विदाउट इंजरी। अब ये बार्क अंदर है, ये बार्क बाहर है। अब इस बार्क के पास में यहाँ से लेके यहाँ तक हम रूटेक्स का यूज़ करेंगे। रूटेक्स एक IBA है जिसका कमर्शियल नाम रूटेक्स है, उससे वो एक रूटिंग हार्मोन है जिससे आसानी से यहाँ रूट क्रिएशन में हमें हेल्प मिलेगी। और ये है हमारा रूटेक्स, जो में ये नोड है, इसके पास में इसका यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये रूटेक्स जो एक रूट प्रोडक्शन के लिए हार्मोन यूज किया जाता है, और ये हमने रूटेक्स का यूज कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे मॉस घास का उपयोग, जो एक मॉइस्चर जो ये नोड होता है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, जिससे रूट जल्दी प्रोड्यूस होती है। रूटेक्स ये आराम से कम लगाई जाती है, दोनों ये और ये दोनों नोड पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, कवर किया जाता है। और ये हमारी मॉस घास जो कि एक मॉस्ट ग्रास होती है, इसका यूज किया जाता है, जिससे क्या है, जहाँ पर हम रूट प्रोड्यूस करनी होती है वहाँ पर रूट आसानी से प्रोड्यूस हो जाती है, उस मॉइस्चर प्रोवाइड करवाने का कार्य करती है। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। ये इसे हम एयर टाइटली बांध देंगे, आराम से एयर टाइटली बांध देंगे, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। एयर रहने से क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबायल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, माइक्रोबायल इन्फेक्शन। तो हम इसे एयर टाइटली बांधेंगे, यहाँ कस के एक वन एंड पे तो यहाँ बांध देंगे, रस्सी बांध दी, अब इसे एंड पे बांध देंगे। बांधते समय ध्यान रहना चाहिए, जो की बड हमने बाहर रखी थी वो बड इसके अंदर कवर होनी चाहिए, आराम से उसे कवर करके यहाँ एक और एयर टाइट रस्सी बांध देंगे। ये बांध दिया, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, ये बड थोड़ी टाइट रहनी चाहिए, और ध्यान रहे ये एयर टाइट होनी चाहिए, जैसा कि ये अब पिचक नहीं रही, ये पिचक नहीं चाहिए, पिचकती है मतलब आपने इसे टाइटली नहीं डाला। जो हमने बड़ छोड़ी थी उससे रूट इमरजेंस होगी, जो बड़ हमने यहाँ छोड़ी थी उससे होगा सूट फॉर्मेशन, लीव्स निकलेगी, 21 से 30 दिन में रूट निकल जाएगी। उसके बाद हम इस पार्ट को रिमूव करके दूसरी जगह, नई जगह जहाँ हमें लगाना है वहाँ लगा लेंगे। और एयर लेयरिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे जरूरी है क्योंकि इसकी सक्सेसफुल के लिए। और जिसमें आप देख रहे हो कि जैसे ये मॉस घास यहाँ से बाहर निकल रही है, इसको हमको रिमूव करना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये जल्दी ड्राइंग हो जाती है, जिस कारण जो अंदर हमने मॉस घास लगाई है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो और अभी 21 दिन बाद में यहाँ प्रोड्यूस हो जाए, रूट प्रोड्यूस हो जाएगी 10-20 दिन के अंदर, और फिर हमको यहाँ से इसको रिमूव करके हमें जमीन के अंदर लगा देंगे, जिससे फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। और अब हमारी ये एयर लेयरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एयर लेयरिंग से रिलेटेड नए वीडियो, लेयरिंग कटिंग बडिंग से रिलेटेड नए वीडियो इसी चैनल पे आते रहेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, जो भी यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे, वो अभी इसी चैनल पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।